प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है गुफा की आवाज। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कैसे एक गीदड़ ने अपनी चालाकी से कैसे अपनी जान को बचाया और शेर को चकमा देकर भागा। आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गुफा की आवाज। गुफा की आवाज डैश। एक बूढ़ा शेर जंगल में मारा फिर रहा था। कई दिनों से उसे खाना नसीब नहीं हुआ था। दरअसल बुढ़ापे के कारण अब वह शिकार नहीं कर पाता था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। जब भटकते वह काफी थक गया तो एक स्थान पर रुककर सोचने लगा कि क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे बुझाऊं इस पेट का बड़ी इकी मात्रा आग। काश मैं भी दूसरे शाकाहारी जानवरों की भांति घास पात फल फूल खा लेने वाला होता तो आज मुझे इस प्रकार भूखे नहीं मरना पड़ता। अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में अवश्य ही कोई जंगली जानवर रहता होगा। मैं इस गुफा में जाकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह जानवर आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगा। शेर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। वह गुफा एक गीदड़ की थी। गीदड़ ने गुफा के करीब आते ही गुफा में जाते शेर के पंजों के निशान देख एक ही मात्रा तो वह तुरंत खतरा भांप गया। परंतु संकट सामने देखकर उसने अपना संयम नहीं खोया बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। और फिर उसकी बुद्धि में नई बात आ गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर बोला, ओ गुफा गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर न दिया तो गीदड़ एक बार फिर बोला, सुन रही गुफा, तेरी मेरी यह संधि है कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तेरा नाम लेकर तुझे बुलाऊंगा। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। जवाब न मिलता देख गीदड़ बार बार अपनी बात को दोहराने लगा। अंदर बैठे शेर ने बार बार गीदड़ के मुंह से यह बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि यह गुफा गीदड़ के आने पर जरूर बोलती होगी। ऐसा सोचकर शेर अपनी आवाज को बदल कर बड़े प्यार से बोला, अरे आओ आओ गीदड़ भाई, तुम्हारा स्वागत है। वो तो मेरा आज गला खराब था इसीलिए मैंने तुम्हारी आवाज का जवाब दिया। तुमको तो पता है मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। डंडा। गुफा में बैठे शेर की आवाज सुनकर गीदड़ बोला, अरे बेवकूफ शेर तुम हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि गुफाएं कभी नहीं बोलती। गीदड़ यह कहकर तेजी से पलटकर भागा। शेर उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर अवश्य आया किंतु तब तक वह चालाक गीदड़ 9-2-11 हो चुका था। कहानी से सीख डैश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय भी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आदब। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए।